फतेहपुर जिले में अतिक्रमण हटाओ अभियान जानलेवा साबित हो रहा है। बारिश में अतिक्रमण हटाते समय एक मजदूर करेंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई, जिससे हंगामा खड़ा हो गया। परिजनों ने मकान मालिक पर ही हत्या का आरोप लगाते हुए दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए हाईवे में शव रख कर जाम लगा दिया है और बाद में लाश को लेकर DM आवास पहुँच गए, जिससे दोबारा PM के आदेश दिए गए। बताते चले कि शहर में जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान एक पखवाड़े से चल रहा है, जो कि बारिश होने के बाद भी नहीं रुका। वहीं प्रशासनिक भय से लोग खुद ही अपने मकान और दुकान तोड़ रहे हैं। शहर के बाकरगंज इलाके में एक मकान मालिक ने कुछ मजदूरों को मकान तोड़ने का ठेका दे रखा था, जिसे तोड़ते वक्त कोतवाली क्षेत्र के सनगांव का एक मजदूर करेंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मुकदमा दर्ज किया गया, PM भी हुआ, लेकिन परिजन संतुष्ट नहीं हुए। दोबारा PM की मांग को लेकर वे हाईवे पर जाम लगा दिए। एम्बुलेंस जान दे यार, एम्बुलेंस जान दे, इसका मतलब निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो, अरे अधिकारी आने दो, एम्बुलेंस जान दे, एम्बुलेंस कोई ना रोको, वही तो एम्बुलेंस को जाने दो, एम्बुलेंस बनना रोको बाबा, बाकी तुम पूरे बोरी गाड़ी रोक दो, फिर लाश को लेकर DM के आवास पहुंच गए, जिससे प्रशासन ने दोबारा PM के आदेश दे दिए हैं। वहीं परिजनों का आरोप है कि मकान मालिक ने मजदूरी मांगने पर उसका गला घोट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस तरीके से क्या, कौन सा तरीका चाहिए तुम बताओ? एक मिनट में उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया, एक मिनट में उसका पोस्टमार्टम होगा, अपने दोबारा पोस्टमार्टम भैया, चलिए दोबारा पोस्टमार्टम होगा। फोन किया तुरंत, हमने कहा कह रहे पूछा ना, तुरंत फोन किया, अंदर गए उसको मार डाले, जान के घसीट करके वीडियो डाली, हमारे नेट में आवा है, कह रहे मादर चौदह में जिंदा अंगन गए, कुछ नहीं सुनाई, कुछ भी काल भी नहीं, आज भी नहीं, रिपोर्ट भी हो गई, कह रहे हैं फाइल बन गए, कुछ नहीं फर्जी है दैया, है दैया, अरे बाबा अंदर गए उसको मार डाले, जान के घसीट करके वीडियो डाली, हमारे नेट में आवा है, कह रहे हैं मादर चौदह में जिंदा अंगन गए, कुछ नहीं सुनाई, कुछ भी काल भी नहीं, आज भी नहीं, रिपोर्ट भी हो गई, कह रहे हैं फाइल बन गए, कुछ नहीं फर्जी है दैया, है दैया, अरे बाबा। मामला है जो है, आप जो दोबारा पोस्टमार्टम कराना चाह रहे हैं, क्या है मामला? हमारे भाई बिल्डिंग के ठेका लेते थे चौक के सामने, अब हम ठेका लेकर के काम कराते मजदूर से 30,000 का, और काम जब हो गए तो हम पैसा मांगते थे, कहना नहीं हम देंगे पैसा, तो थोड़ा बकवास कर दिया, सुबह बाहर गए थे बाबूजी, उसको ये केस कर दिया, और जब करने बाद जब क्या केस कर दिया, बिल्डिंग से कह रहा है झटका मार गिर गया, झटका जब मारा तो अंदर ले गए बाबूजी, जिंदा था, उसको जब ले करके गए थे अंदर, दरवाजे बंद किया, एक घंटा बाद खोले थे बाबूजी दरवाजा, नेट में आ गया है सब, अरे भाई को तो मारना है बाबूजी। किसने मारा? वही मकान मालिक मारना था, माँ भाई जी किसी की भस नहीं सहते थे, जब काम करते थे मजदूर पैसा भी मांगते थे, बताइए बाबूजी। तो आप दोबारा पोस्टमार्टम क्यों करा रहे हैं? करा रहे हैं कि कुछ सहायता तो चाहिए, जब कुछ निकल नहीं रहा तो कैसे सहायता मिलेगा, ये बच्चों कैसे पलेगे?
तो आप सहायता चाहती हैं? हाँ सहायता चाहते हैं। तो डीएम का घेराव आपने किस लिए किया था? गए थे कि जब यहाँ सुनाए तो बाबूजी हम वही गए थे, जब काल से आज तक कोई सुनाई थी, जहाँ जहाँ गए हुए कोई सुनाई, रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी, सामने क्यों नहीं आते, जिसके मकान में काम करते थे चोर है इसीलिए तो नहीं आते, बताइए, उसको आना चाहिए ना, सूचना देना चाहिए कि बाबूजी हम उनका कर रहे हैं, बाबूजी अंदर ले करके मारे गए, गुटकी दबा करके मारे गए, चिल्ला रहे आवाज चिल्लाने की आए थे रिकॉर्ड। जबकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये रोशन रैदास है, सनगांव थाना कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका अतिक्रमण में इन्होंने ठेका लिया हुआ था और उस मकान को तोड़ रहे थे, तो गिरने और समतल करंट के लगने की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी, जिसमें इन्होंने आरोप लगाया था कि जो मालिक है उसकी निग्लिजेंसी से ये मृत्यु हुई है। तो उन्होंने एक अप्लीकेशन दिया था जिसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई, लेकिन पोस्टमार्टम में इनको कोई संशय हुआ, जिसको लेकर के इन्होंने रोड पे बाड़ी ले आए। इसके बाद डीएम साहब के आवास की तरफ गए तो उनको आश्वासन दिया गया है कि उसको दोबारा से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके बाद उन्होंने बाड़ी रखवा दी गई है और दोबारा से उसका पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्टर्स पेज के लिए फतेहपुर से जितेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट।